रिटायर्ड कर्मचारी से एडवाइजरी कंपनी में शेयर मार्केट ट्रेडिंग के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने दबिश देकर दो आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पंकज पांचाल और शुभम भावसार ने 20 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को टेलीफोन नगर में रहने वाले 66 वर्षीय रिटायर्ड सैन्य कर्मचारी सुरेश मोदी द्वारा शिकायत की गई थी कि उन्हें ट्रेडिंग के नाम पर स्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी द्वारा 20 लाख रुपए से अधिक की ठगी की गई है। शिकायत पर पुलिस ने दबिश देकर मौके से शुभम भावसार और पंकज पांचाल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। SEBI अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी फर्म चलाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। हालांकि पकड़े गए दोनों ही आरोपियों को पुलिस न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। इनके द्वारा अन्य राज्यों में भी कई लोगों के साथ ठगी कर लाखों रुपए धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया है। इसके संबंध में पुलिस उनसे और भी पूछताछ कर रही है। कल रात्रि में आवेदक सुरेश मोदी निवासी टेलीफोन नगर द्वारा सूचना दी गई थी और लिखित आवेदन पत्र जो है थाने पर प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसके द्वारा बताया गया था कि शुभम भावसार निवासी द्वारकाधीश कॉलोनी एवं पंकज पांचाल निवासी बिचोली मर्दाना द्वारा इनलीगल IA बनकर जो है उनसे अलग अलग जगहों पर लगभग 18 से 20 लाख रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट करवाया गया है, जो कि आवेदन के मजमून से पाया गया है कि ये जो आरोपी है इनके द्वारा SEBI के नियमों का उल्लंघन करते हुए और बिना किसी जानकारी के इस तरीके से इलीगल जो है एडवाइस की गई है, जिस पर थाना कनाड़िया पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। साथ ही इसे जो आरोपी है शुभम भावसार और पंकज पांचाल इन्हें पकड़ा गया है, जिनकी गिरफ्तारी की जाके इन्हें कोर्ट पेश किया जाएगा। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है और आगे भी इससे संबंधित जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी शीघ्र।